चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत। दोस्तों, हम लेके आ गए हैं कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का। आपका 2 जनवरी को जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है, आज मैं वही लेके आया हूँ। आप जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप उसी उसी को पढ़ के जाइएगा। इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं बता दूँ दोस्तों, यही रियल पेपर है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप देख लीजिएगा, पूरा क्लियर नहीं है, हमको यही मिला है टेलीग्राम से, तो मैं यही आपको बता दे रहा हूँ। ये बहुत ही 12 बजे जो लीक हुआ वही पेपर है, मुझे बड़ी ही मुश्किल से मिला। आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और इसका आंसर मैं आपको जल्दी ही बताने की कोशिश करूंगा। पहला है, बायो में एकांक धनावेश में निकलने पर कुल विद्युत फ्लास्क होता है, इसका होता है, मेरे को नहीं पता। आप फटाफट जो भी है मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप उसका आंसर ढूंढ लीजिए और जल्दी जल्दी आप उस आंसर को टिक कर लीजिए। और दूसरा है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। और दूसरा है, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, और दूसरा कितनी होती है, अनंत, शून्य, एक, ये एक से कम। और चौथा है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र या एक केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दो कोई नहीं, इसका होगा सी नंबर, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र करता है गतिमान आवेश। और पांचवा है, लेंज का नियम संबंधित है, इसका होगा द्रव्यमान संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण या संवेग या आवेश संरक्षण। तो लेंज का नियम जहाँ तक होगा तो ऊर्जा संरक्षण का होगा। और छठवा है, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो अवरक्त, रेडियो तरंग या दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी। तो मैं बात करूँ तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी आवृत्ति तो पराबैंगनी की होगी जहाँ तक है। तो हीरे की चमक का कारण प्रकाश का विश्लेषण प्रकीर्णन है, पूर्णांतिक परावर्तन व्यतिकरण, तो इसका होगा पूर्णांतिक परावर्तन, छठवीं सातवीं का। और प्रश्न दो है, किसी संधारित में नेट आवेश खाली स्थान होता है, किस नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। और किरचाप का प्रथम नियम खाली स्थान एक स्थान पर आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर होता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का क्या होता है, शून्य होता है ना, क्या होता है, शून्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स एक क्या है, सदिश राशि है। और प्रत्येक ऊर्जा संरक्षण खाली स्थान होती है, नियत है, क्वांटीकृत, तो इसका देख लीजिए। और छठवां है, आवृत्ति का फोटॉन संवेग पी बराबर होता है। और सातवां है, एक स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर होती है। जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उसे फटाफट देख लीजिए और सुन लीजिए, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसका। और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और इसका PDF मैं डाल दिया हूँ, आप जल्दी से वहाँ जाकर इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। और पहला, प्रकाश वैद्युत चल किसे कहते हैं, और दूसरा है, सूक्ष्मदर्शी में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, और तीसरा, प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक लिखना है। और आपका चौथा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण की खोज किसने की। और पांचवा है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। और छठवा है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है, तो इसका होगा शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है गोले के अंदर। और छठवा होता है, TV के रिमोट में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है। और अब है आपका सही जोड़ी क्या है, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का। और दूसरा, प्रेरण प्रतिघात, और तीसरा, LCR प्रतिबाधा, और है आंतरिक प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत क्षेत्र ई, और समतल तरंग। इसका आप फोटो खींच ले और आप अपने से मिला लीजिए, और इसका आंसर अगर वो पता चले तो आप मुझे क्या करिए, मैसेज से आप मुझे आंसर दे सकते हैं, और क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूँ, और ताकि मैं और बच्चों की मदद कर सकूँ। और प्रश्न पाँच में, विद्युत संबंधी कूलाम नियम लिखिए, अथवा में है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, और अथवा में है, जो जो क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को ज़रूरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं यही अगर पेपर आ गया तो आपको लगेगा कि भेजा गया लेकिन आप लोग नहीं कर पाए, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और छठवां है, संविभव पृष्ठ की विशेषताएं, अथवा में क्या है, दो संविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करते, आपको कारण बताना है। और सातवां है, प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मापक या लिखिए। और अथवा है, गतिशीलता से आप क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए, पूछा गया है।
तो ये गतिशीलता ये प्रतिरोध गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी चल के आपका पेपर बोर्ड पेपर में आ सकता है। और चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम लिखना है आपको पूरा, और अथवा बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट नियम और गॉस नियम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्योंकि दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, अभी आपका लीक हो जा रहा है अर्थवासिक का, लेकिन आपका जो बोर्ड पेपर है आपका कोई लीक ना कराएगा। तो नौ में है क्या, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखना है, अथवा में क्या है फ्लेमिंग के दाएं का हाथ नियम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से इस बार पेपर सेट किया गया लगता है। और दस में क्या है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, अथवा है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ग्यारहवा का है विकिरण की द्वैत प्रकृति को स्पष्ट करना, अथवा में है द्रव्य तरंग के कोई दो गुण लिखना है, द्रव्य तरंग गुण बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो जो क्वेश्चन बताया गया आप उसे जरूर पढ़ लीजिए। बोहर मॉडल की परिकल्पनाएँ लिखिए, और अथवा में बोहर मॉडल की दो कमियाँ बताना है, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और तेरहवा है किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण उसे आर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कीजिए, और अथवा है विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। चौथावा के क्वेश्चन है संविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, और इसकी कोई चार विशेषताएँ लिखिए, क्या गया संविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी कोई चार विशेषताएं लिखना है। और अथवा है किसी गोली चालक की धारिता का सूत्र निम्न ज्ञात करो, क्या है सूत्र ज्ञात करना है। और पंद्रहवा है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट करने के लिए आया है, तीन नंबर का तीन ठो लिखना है और आपको। और अथवा में क्या है सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करना है आपको। और सुलामे का व्यतिकरण क्या है इसकी शर्तें लिखना है आपको। अथवा में गोली दर्पण की निम्न को समझाना है आपको, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव फोकस दूरी फोकस है ना। और सत्रहवा है आपका बीट स्टोन सेतु का आरेख ज्ञात करना, उसके सिद्धांत को समझाना और संतुलित करना, प्रबंध पी क्यू बराबर आर एस को आपको प्रूफ भी करना है पूरे चार नंबर का, तो आपको पूरा डिटेल से लिखना होगा, उसका पूरा चित्र बाकायदे से बनाना होगा, तब जाके आपको चार नंबर मिलेंगे। और अथवा में दिया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, यह निम्न किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अठारहवा है पतले लेंस पर अपवर्धन की सूत्र आपको स्थापित करने हैं, और अथवा में लेंस का निर्माता सूत्र आपको लिखना है पूरा, और इसको डिटेल से पूरा प्रूफ करना है लेंस का निर्माता सूत्र और पतली लेंस का अथवा में दिया, तो आपको पाँच नंबर का कोई दो करना है, दोनों में से एक करना है। तो और सोलहवा है आपका एसी परपथ को प्राप्त करने के लिए पूरा और डिटेल लिखना है आपको, और पी ए बी बराबर वी आर एम एस गुड़े आई आर एम एस गुड़े कॉस एक्स का आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अथवा में क्या है प्रत्यावर्ती धारा से जुड़े एल सी आर श्रेणी परपथ के अनुनादी आवृत्ति टी बराबर 1/2π√LC होती है, तो इसको आपको पूरा प्रूफ करना है। तो जो जो क्वेश्चन बताया हूँ आप उसे जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यही मेरे को मिला है टेलीग्राम से, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा। और इसका PDF भी तो आप हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो वहाँ पास आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।